हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया हाइट एंड डिस्टेंस का। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ सकते हो। दो शिप्स हैं जो आर सेलिंग इन सी ऑन द टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। दोस्तों एक लाइट हाउस है, जैसे कि हमने देखा है कि समुद्र में एक लाइट हाउस होता है जो हमेशा कहीं सारी शिप्स पे अपनी लाइट को डालता है, तो उसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल ही है दोस्तों ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व एट द शिप फ्रॉम द शिप्स आर 30 and 45, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ लाइट हाउस इज 100 meter हाई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइट हाउस बना देता हूँ। कितने मीटर का? 100 meter। अच्छा, आप शिप्स जो हैं लाइट हाउस, दो शिप्स हैं जो कि दोनों तरफ हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। वो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हमेशा नीचे से लिया जाता है, मैंने आपको बताया, और डिप्रेशन ऊपर से। तो नीचे से ऊपर देख रहा है लाइट हाउस को, यहाँ कोई देख रहा है एक शिप्स पे आदमी, ठीक है, लाइट हाउस के ऊपर देख रहा है और यहाँ एक आदमी देख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो एंगल दिया हुआ है ये 30 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस पूछा है। दोस्तों इस पूरी डिस्टेंस को मैं निकालने के लिए इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ये 30 दिया है, हमें ये दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, टेन लगाऊँगा, क्योंकि टेन 30 होता है, ठीक है, जो भी मेरा परपेंडिकुलर है अपॉन बेस जो होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100 upon x। तो दोस्तों ये कितना होता है, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, 100 upon x। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√3। इस तरह दोस्तों y की वैल्यू, तो दोस्तों 10 45 लगाऊंगा मैं। 10 45 कहाँ लगाऊंगा, इस छोटे वाले इतने ट्रायंगल, ठीक है, इसमें लगाऊंगा 10 45। तो दोस्तों 10 45 क्या हो जाएगा, 100/y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/10 45। दोस्तों 10 45 कितना होता है, 1, तो ये 100। दोस्तों x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई, 100√3 + 100। दोस्तों अगर इसको निकालना हो, हमको पता है ये कितना होता है, 1.73, तो ये हो जाएगा 173 जब 100 से गुणा करेंगे, प्लस 100। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 273। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारी डिस्टेंस मीटर में थी तो ये मीटर में हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे और क्वेश्चन लेंगे, कृपया आप ये नोट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।